हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय डीआईवाई गैलरी, जिसमें हम बनाने वाले हैं ये मरी पर्पस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे घर के लिए भी एंड जो कि स्टोरेज के साथ साथ डेकोरेटिव भी है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डीआईवाई गैलरी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मैंगो क्रेट और हमारे पास इस टाइप के जो क्रेट्स रहते हैं उसका मेकओवर। इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ एक चॉक पेंट। मैं यहाँ पे घर पे बना रही हूँ, आप चाहे तो मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉक पेंट के लिए लिया है वन टेबल स्पून ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड अभी मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी। तो मैं ब्रश की हेल्प से कलर इसमें निकाल रही हूँ एंड मैं इसमें मिलाऊँगी वाटर। तो जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेस्ट बना लेंगे। अगर पेस्ट नहीं बनाना तो फिर वाटर कलर में आप इसे बना सकते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम पानी की तरह होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मली कलर रहता है उस टाइप से होनी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एंड अभी यहाँ पे मैं जो मेरा क्रेट है मैंने उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लिया, डस्टिंग कर दिया उसका एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो कलर है मैं वो लगाने वाली हूँ। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही लुक चेंज हो रहा है इसका अचानक से ही, लगाते ही कलर लगाते ही जो क्रेट का जो लुक है वो ओवरऑल चेंज हो चुका है एंड यस आई एम इंजॉइंग इट डूइंग। सो इस टाइप के मेरे पास क्रेट्स रखे हुए थे तो आई थॉट कि मैं इसे यूज़ करती हूँ। एंड यस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक करिए मेरे इस वीडियो को एंड कमेंट करके बताइए कि ये जो मेरा मेकओवर है ऑफ द क्रेट, माय क्रेट डीआईवाई मेकओवर, आपको कैसा लगा। इसमें मैंने कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदा है, जस्ट मेरे पास हर सब चीज़ जो थी वो घर पे अवेलेबल थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, कलर्स हो गए, ब्रशेस हो गए, एवरीथिंग वाज विद मी पहले से। एंड यहाँ पे पहले मैं सब जगह कलर कर दूँगी। तो मैंने अंदर की साइड ग्रीन कलर किया है एंड बाहर की साइड मैंने ब्लू कलर किया। तो ये देखिए पूरा ही जो लुक है वो आप देख ही सकते हो कितना चेंज हो गया है एंड यस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे कहाँ यहाँ पे जो गैप्स हैं ना, यहाँ पे कलर्स नहीं हुए हैं, मैं वहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ एंड चेक करने के बाद फिर मैं दोबारा से वहाँ पे कर लेती हूँ। ये पूरा रेडी हो चुका है एंड आप इसमें चाहे तो दो तीन कलर मिक्स कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग आप कलर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेरे पास इस टाइप का एक पेपर रखा हुआ है जिसपे साइकिल्स बनी हुई हैं एक्चुअली। तो इस पेपर से मैं जो साइकिल्स की जो कटिंग है मैं साइकिल कटआउट कर देती हूँ। कटआउट करने के बाद मैं वहाँ पे फिर से पेस्ट करने वाली हूँ। करने के बाद मैं ये फैब्रिक रिल का मॉड पॉज ले रही हूँ, जिससे मैं जो साइकिल्स हैं ये पेपर साइकिल्स हैं तो मैं इसको सील कर दूँगी इसकी हेल्प के साथ। कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा सा मॉड पॉज अप्लाई करना है एंड ये जो साइकिल है ये सील हो जाएगी। एक्चुअली ये इसकी एक वाटरप्रूफ लेयरिंग बना देता है एंड उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरी बेटी का नेम लिखा है एंड उस साइड फ्लावर ड्रॉ किया है। मैं फ्री हैंड यहाँ पे ड्राइंग कर रही हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने ड्राइंग कर दिया एंड कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एंड लास्ट में ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है।